पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है। नौकरी से निकाले जाने की वजह से नाराज हैं सफाई कर्मचारी और धरना कर रहे हैं। बीवीजी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कर्मचारियों ने। 40 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए कंपनी ने बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों का लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना चल रहा है। ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर। सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। नौकरी से निकाले जाने को लेकर नाराज हैं सफाई कर्मी। बीवीजी कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि 40 कर्मचारियों को कंपनी ने बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को बीवीजी कंपनी ने बिना नोटिस के कंपनी ने बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है सफाई कर्मचारियों का लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताना चाहेंगे कि लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर बीवीजी एक कंपनी है जो वहां पर सप्लाई कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो पूरे एयरपोर्ट की साफ सफाई की व्यवस्था देखती है। उसने बिना किसी सूचना के 40 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में महिलाएं भी हैं। इन लोगों ने सुबह कंपनी से बात की, लेकिन कंपनी ने कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए, जिस पर इन लोगों ने एयरपोर्ट पर ही धरना प्रदर्शन किया और कंपनी के मैनेजर संजीव मलिक पर निकालने का आरोप लगाया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर निकालना ही था तो पहले से नोटिस देते। अब हम लोग कहां पर जाएं, हम लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी अतिथि, नीरज देखिए, लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि कोई भी कंपनी कर्मचारियों को बाहर ना निकाले, नौकरी से ना निकाले, क्योंकि इस टाइम हालात ऐसे चल रहे हैं कि लोगों के सामने आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है। और ऐसे में अगर सफाई कर्मियों को कंपनी से निकाला जाता है बिना नोटिस के, तो ये कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है। जी चिंता का विषय है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की गई, वो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं और जहां तक उम्मीद है कि कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज।